जमीन पे मैंने तकरीबन मार्च में ये कल्चर डालना शुरू किया। तो कल्चर डालने के बाद अभी इसकी हालत आप देख लें, कोई साल्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का। और इसकी अभी इसकी मैं हल मारूंगा, वह देख लें, ज़मीन बहुत मुलायम हो गई है, पहले ऐसे था जैसे ये पत्थर होता है। अभी मैं एक पत्थर इसमें से मिट्टी निकालता हूँ, वो बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल। कोई तकरीबन 3 माह हो गया मैंने इसमें मार्च में ये कल्चर डालना शुरू किया। तो कल्चर डालने के बाद अभी इसकी हालत आप देख लें, कोई साल्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का। और इसकी अभी इसकी मैं हल मारूंगा, वह देख लें, ज़मीन बहुत मुलायम हो गई है, पहले ऐसे था जैसे ये पत्थर होता है। अभी मैं एक पत्थर इसमें से मिट्टी निकालता हूँ, वो बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल। कोई तकरीबन 3 माह हो गया मैंने इसमें हल नहीं चलाया, सिर्फ कल्चर डाला है डॉक्टर साहब का, गाजियाबाद का। ये आपको मैं अभी एक थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर नीचे फेंकता हूँ तो वो बिल्कुल वो मुलायम हो गई है। पहले तो ये टूटती नहीं थी जैसे पत्थर था। ये देखें ऊपर से ये फेंकी है और बिल्कुल मुलायम हो गई है, ये देख लें। और इसके ऊपर सारी ऊपर इसके तह के ऊपर टोटल इसकी जमीन बिल्कुल काली हो गई है ऊपर से कल्चर की वजह से। ये डॉक्टर कृष्ण चंद्रा साहब और डॉक्टर जगत सिंह साहब ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनका बहुत बड़ा आसान है ज़िम्मेदारों के लिए कि ज़िम्मेदार उन्हें बहुत। अभी हम अभी तमाम ज़मीन पे हम यही कल्चर इस्तेमाल करेंगे। बाकी मैं ये अभी हल चला कर अभी पता चलेगा ये कैसे ज़मीन कैसे निकलती है नीचे से, मैं आपको और फिल्म भेजूँगा। डॉक्टर साहब ये इसको 1 माह हो गया पानी लगाया नीचे, अभी तक इसके अंदर नमी है, पानी होल्ड किया हुआ है। और दूसरी बात है बिल्कुल बहुत ज़मीन नरम होगी, पहले ये पत्थर था बिल्कुल, अभी ये देख लें बहुत मुलायम हो गई है। ये कल्चर की मेहरबानी है कि ये इतनी ज़मीन अभी इसमें हल चलाएंगे आपको बताएंगे कि ये कितनी चेंज हुआ है। पिछले 30 साल में यहाँ कोई चीज़ नहीं लगाई गई, अभी तो बिल्कुल ये बिल्कुल मुलायम हो गई है, बिल्कुल ये देखें ना बिल्कुल मुलायम हो गई है। इसमें 30 साल से कोई फसल नहीं लगाई गई, अभी इसमें हल लगाएंगे वो पता चलेगा कि कहाँ तक नमी है। 1 माह हो गया इसको पानी नहीं लगाया मगर नीचे अभी भी नमी है इसके नीचे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कृष्ण चंद्र और डॉक्टर जगत सिंह साहब, 1 माह हो गया इसका पानी बंद किया हुआ था, अभी हल चलाया अभी तक नीचे इसका वतर है, नीचे अभी तक नमी है, वो बहुत ज़्यादा नीचे अभी तक पानी होल्ड किया हुआ है इसने, जबकि इससे पहले ये पानी इधर होता ही नहीं था बिल्कुल। ये अभी देख लें आपने सारे कैसे अच्छी ज़मीन बन गई है, वो बहुत मुलायम है, बहुत अच्छी किस्म की है। ये देख लें पहले ये लोहे बिल्कुल पत्थर था जैसे, ये अभी देख लें बिल्कुल मुलायम है जैसे कोई गोबर होता है, ऐसे पता चलता है गोबर की खाद है, मगर ये सारी इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी जैसे ये पत्थर था पहले, बिल्कुल पत्थर था, अभी बिल्कुल मुलायम हो गई है। सिर्फ 2 माह हमने ये कल्चर डाला है, 3 दफ़ा 1,000 लीटर, 3,000 लीटर 1 एकड़ में डाला है, तो 3,000 लीटर से ये इसके ये रिजल्ट है 3,000 लीटर के। अगर पूरा साल अगर इसमें डालेंगे तो उसका रिजल्ट और बेहतर होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, इससे पहले की एक फिल्म है जिसमें साल्ट थे और इतने ज़्यादा साल्ट थे कि इसमें हल चला रहे हैं, हल का ट्रैक्टर का जोर ही नहीं लग रहा,
ऐसे पता चल रहा है कि नीचे इसमें जैसे रेत हो, मगर इससे पहले इसमें हमारा फोर्ड ट्रैक्टर है 70 हॉर्सपावर का, वो इसमें हल नहीं चला सकता था। अभी ऐसे मुलायम और नरम हो गई है और बहुत खूबसूरत, जैसे ये गोबर की खाद होती है ऐसे मुलायम हुई है। ये एक माह हो गया हमने पानी इसको नहीं लगाया, मगर अभी नीचे इसके पानी अभी भी है, वो पानी होल्ड किया हुआ है इसने, पानी बहुत अच्छी बंद चल रही है। ये देख लें,